We are going to learn the story Him and the Peasant's Bread, written by Leo Tolstoy. It's the 11th lesson of the book Resolution, class 10 ka jo resolution test book hai, 11th chapter hai. Aap kitab lekar mere saath saath padhenge and hear me, aap सुनेंगे मुझे और लुक इन योर बुक आपका किताब के अंदर देखकर पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ए पुअर पर्सन वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लाउ, टेकिंग विद हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट ए पीस ऑफ ब्रेड. ए पुअर पर्सन, ए गरीब किसान पर्सन, अपना खेत हल करने के लिए, प्लॉ करने के लिए सुबह सुबह निकला है. When he went, वो जब चले गया है, he took a piece of bread, ये रोटी भी साथ ले लिया है, for his breakfast, अपने breakfast के लिए. He got his plow ready, खेत में पहुंच गया, plow को तैयार किया है. Put his coat round the bread and hid it under a bush and started work. आपका ब्रेड है, रोटी है, कपड़े में बांध कर, अपना कोट उतार कर उसमें बांध कर एक बुश के नीचे, जाड़ी के नीचे रखकर वो काम पर लग गया है. After a while, थोड़ी देर बाद, when his horse was tired and he was hungry, जब उसका horse थक गया है और वो भी भूखा हो गया है, तब the peasant stopped plowing, peasant ने plow करने का काम बंद कर लिया. Then the horse lose to feed, फिर horse को खुला छोड़ दिया खाने के लिए. And went to get his coat and his breakfast, फिर वो अपना कोट के पास पहुंच गया है, where he put it, जहां उसने रखा था under bush, bush के नीचे रखा था, उसके पास पहुंच गया to take his breakfast, अपना breakfast लेने के लिए पहुंच गया है. He lifted the coat, but the bread was gone. उसने अपना कोट उठाया, देखा है, no bread in that coat, वो कोट में बांध के रखा था, no bread at all. बेड उधर नहीं है, it has gone, वो गया है, it was gone, वो गया, उधर नहीं था, गायब था. He looked and looked, turned the coat over and shook it, but the bread was gone. He looked and looked, वो उधर उधर देख लिया है, ये ब्रेड कहाँ गया है. And turned the coat over, उसका coat को पलट के देख लिया है. And shook the coat को हिलाया है. And no bread. The bread was gone. Bread तो गायब था. The peasant could not understand it at all. ये बात peasant को समझ में नहीं आया. कारण क्या है? It's strange. ये तो बहुत अजीब बात है. उसने ये सोचा, क्यों? I saw no one. Yet someone has been here and has taken the bread. मैंने इधर किसी को अब तक देखा नहीं. मैं इधर काम कर रहा था. I did not see somebody come here, कोई आते हुए मैं देखा नहीं. And somebody have been here, कोई भी इधर आकर तो गया है, but मैं देखा नहीं. So it is a strange thing. One who came, जो जिसने आया है, he took my bread as well, मेरे ब्रेड भी लेके गया है, तो ये तो अजीब बात है. It was an imp who has stolen the bread. वास्तव में ये काम किसने किया था? It was an imp who stole the bread. ये ब्रेड का चोरी करने वाला nothing but an imp. इंब का मतलब है child of a devil, शैतान का बच्चा. ये शैतान का बच्चा था ये या ब्रेड को चोरी करने वाला. It was an imp who has stolen the bread while the peasant was flying. Peasant जो plow कर रहा था, हल कर रहा था खेत को, खेत जोत रहा था, तब ये इसका ब्रेड चोरी करने वाला ये एक इंब था. एंड एट दैट मोमेंट ही वाज सिटिंग बिहाइंड द बुश. अभी ये बुश के पीछे बैठे बैठे देख रहा था, वेटिंग टू हियर पर्सन सेयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल. तो अपना ब्रेड जाने की वजह से वो
जो जिसने लिया है उसको ऊपर श्राप देते हुए, डेविल का नाम लेकर उसको श्राप देते हुए सुनना चाहता था, इसलिए वो सुनने के लिए बैठा था। द पर्सन वॉज सॉरी टू लूज हिज ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट होने से उसका दुख तो है, बट इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, आफ्टर ऑल आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, उसने कहा। इट कैन बी अवॉइडेड, ये इसका अवॉइड नहीं कर सकता, तो जाना था गया है। आफ्टर ऑल आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, तो कुछ भी हो मैं तो भूखा तो मरूंगा तो नहीं, मतलब एक वक्त का खाना नहीं खाएगा तो भी ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। वर्क टुक द ब्रेड नीडेड इट, अगर किसी ने भी अगर ब्रेड लिया है वास्तव में उसको चाहिए था, बिकॉज ही वॉज हंग्री, वो हंग्री था इसलिए उसने लिया है। मे इट डू हिम गुड, इसलिए उसने जिसने लिया है उसका भला हो। ही थॉट सो, ही वेंट टू द वेल एंड अ ड्रिंक ऑफ वाटर एंड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल, फिर उसने क्या किया, पास में कुआ में जाकर कुछ पानी पीकर थोड़ी देर आराम किया। Then he caught his horse, fastened it to the plow and began to plowing again. वापस उसका हॉर्स को पकड़ के फास्टन कर दिया, टाई कर दिया है, बांध लिया है प्लॉ के साथ, फिर उसके हल करने शुरू कर दिया, प्लॉ करने शुरू कर दिया। The imp was upset because he had not made the peasant do wrong. Imp निराश हो गया, upset हुआ है, कारण because he had not made the peasant do wrong, peasant से वो गलत करवा नहीं सका। ओके, मेक समबडी डू समथिंग, किससे कुछ करवाना, मेक मेक हिम स्टैंड, उसको खड़ा करना, मेक हिम राइट, उसे लिखवाना, इसी तरह मेड मेड हिम राइट, उसे लिखवाया, मेड हिम डू रॉन्ग, उसे गलत करवाया। But here the imp was not able to do it. Imp वो कर नहीं सका, he had not made the person do wrong, गलत करवा नहीं सका। And he went to devil, इसलिए devil अपना master है, his master उसके पास चला गया to report what had happened. Imp शब्द का अर्थ आपको याद है, शैतान का बच्चा, तो अपना master शैतान devil, devil के पास जाकर कहते हैं what had happened, क्या क्या हुआ बात बताया। He came to the devil and told he had taken the peasant's bread and how the peasant instead of swearing had said may it do him good. So अपने मास्टर के पास आकर ये कहते हैं, devil के पास आकर कहते हैं, he had taken the peasant's bread, वो peasant का bread तो चुरा लिया, ले लिया है, and how the peasant instead of swearing, वो श्राप देने के बजाय, इंस्टेड ऑफ बजाय, क्या बजाय, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग करने से, श्राप देने से बजाय, ही सेड मे इट बी मे इट डू हिम गुड, वो इसको भला हो जाए। ही ब्लेस्ड दैट मैन हु हैज टेकन, जो व्यक्ति लिया है उसका ब्रेड का चोरी किया है उसी को उसने ब्लेसिंग किया है। द डेविल वॉज angry and replied, devil ye sunkar gussa ho gaya, usne kaha, if the man got the better of you it was your own fault. Get better of somebody, get better of, uska matlab hai harana, defeat karna. They say if the man got better of you, get got better of you, agar man aapko hara diya hai, इट वॉज योर ऑन फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती से, अगर आदमी तुम्हें हराया है, नहीं तो तुम उसके सामने हार गया है, उसका मतलब इट इज योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती है। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, तुम तुम्हारे काम समझते नहीं है। इफ द पर्सन एंड देयर वाइफ डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी शैल बी लॉस्ट, अगर ये पर्सन हैं, किसान लोग हैं, देयर वाइफ्स, उनका वाइफ बीवी लोग हैं, सब मिलकर ऐसे काम करते जाएगा तो वी शैल बी लॉस्ट, हम नष्ट हो जाएगा। द मैटर कैंट बी लेफ्ट लाइक दैट, इसी तरह हम इसी बात को छोड़ नहीं सकते हैं। गो बैक एट वंस एंड मेक थिंग्स राइट, इसलिए तुम वापस जाकर सारे बात को ठीक करो, यानी तुम्हारा काम था
पेशेंट से गलत करवाना तुम करवा नहीं पाए आप. एंड इट मीन्स द मैन गॉट बेटर ऑफ यू. मैंने क्या किया है, गॉट बेटर ऑफ यू, तुम्हें हराया है, डिफीट किया है. तो उसी को हम सुधारना है. तुम वापस उस जगह पर जाओ. गो बैक एट वंस एंड मेक थिंग्स राइट. इफ इन इन थ्री इयर्स यू डोंट गेट द बेटर ऑफ दैट पर्सन, इफ इन थ्री इयर्स एंड आई गिव यू थ्री इयर्स, 3 साल का समय तुम्हें दे रहा है, 3 साल के अंदर यू डोंट गेट द बेटर ऑफ दैट पर्सन, इफ यू आर नॉट डिफीटिंग दैट पर्सन को, यानी किसान को तुम हराएगा नहीं, तो गेट अ बेटर ऑफ, है ना, डिफीट द पर्सन. आई विल हैव यू थ्रोन इन टू हॉली वाटर, तुम्हें मैं पवित्र जल में फेंकूंगा. हु यू आर, तुम कौन है, यू आर इन, यू आर द चाइल्ड ऑफ ए डेविल, डेविल का बेटा है, लड़का है, बच्चा है, डेविल का बच्चा है. तुम गलत काम नहीं कर सकते, तो तुम्हें फिर हॉली वाटर में फेंकेंगे, गंगा में फेंकेंगे, तुम फिर साधु संत बनकर रहो, कोई तुम गलत काम नहीं कर सकते. तो The Eve was frightened. ये सुनकर इव डर गया. He hurried back to earth, thinking how he could make up for his mistake. वो तुरंत उधर से डेविल के सामने से भागकर पृथ्वी में आ गया है. How to make up? उसमें जो हानि हो गया है उसका मेकअप कैसे करेंगे, पूर्ति कैसे करेंगे, इसके बारे में सारे योजनाएं सोचते हुए वो आ गया. He thought and thought, and at last he thought of a good plan. He thought. उसने सोचा और सोचा ये कैसे मेकअप करेंगे उसका जो नुकसान. एंड ही गॉट एन आइडिया एट लास्ट. लास्ट में उसको ऐसे एक आइडिया मिल गया, ऐसे प्लान मिल गया. ही चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ वॉकिंग मैन एंड वेंट टू वर्क विद अ पुअर पर्सन. वो भी क्या किया, अपना रूप बदल दिया है. ही बिकेम ए वर्किंग मैन, काम करने वाला व्यक्ति बन गया है. एंड ही वेंट टू द पुअर पर्सन, पुअर पर्सन के पास पहुंच गया है. एंड वेन टू वर्क विद ही पर्सन, उसके गरीब किसान के साथ साथ काम करने लगा. द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज द पर्सन टू सो कॉर्न इन लो लाइंग डार्क प्लेस. पहला साल उसने एक एडवाइस दिया है, तुम ये काम करो, तुम जाकर द लो लाइन निचले जल पर तराई में, वे देर से डाम यानी दलदल टाइप है जहाँ पानी ज्यादा है, उसी जगह पर तुम इस साल खेती करो. The person took his advice and sowed there. Person उसका सलाह मानकर उसी जगह पर जो तराई में जहाँ दलदल है, जहाँ पानी है, उधर उसने कौन बोया. The person took his advice and sowed there. The year happened to be a very dry one. वास्तव में उस साल ऐसे निकल गया है, बहुत ड्राई, बहुत सूखा साल था. द क्रॉप्स ऑफ द अदर पर्सन्स वेर ऑल बर्नड अप बाय द सन. ये सूखे के कारण बाकी सारे पर्सन का सारे बाकी सारे किसानों का जो फसल है सूख गया है. बट द पुअर पर्सन कॉर्न ग्रू थिक एंड टॉल एंड हैवी विद ग्रेन. ये गरीब किसान का जो कॉर्न है बहुत अच्छे फसल दे दिया है, अच्छा उपज दे दिया है, तो लंबा और उसमें ज़्यादा कॉर्न भी आ गया है. रिमेंबर दिस ईयर दे सॉट कॉर्न इन द लो लाइन लैंड वेयर देयर इज अ डैम, जहाँ नमी है इस जगह पर किया था. सूखा होने के बावजूद भी अच्छे फसल उसको मिला. नॉट ओनली हैड इनफ ग्रेन टू लास्ट हिम फॉर द होल ईयर बट ही हैड ऑल्सो मच टू स्पेयर. इतना ही कौन नहीं था मात्र उसका एक साल बिता सके, पर उससे ज्यादा कौन उसके पास आया है. मीन्स यू आर ही प्रोड्यूस्ड मोर देन व्हाट ही वांटेड फॉर द ईयर. एक साल के लिए उसको कितना चाहिए, उससे ज्यादा कौन उसके पास आ गया है. द नेक्स्ट ईयर हिम एडवाइस द पर्सन टू सो ऑन द हिल. अगले साल हिम ने उसको एडवाइस दे दिया है, फिर कब करो, पिछले साल हमने लो लाइन लैंड में खेती किए थे, इस बार हिल के ऊपर पहाड़ों के ऊपर करेंगे. एंड इट हैपेंड टू बी वेट समर. वास्तव में इस साल यानी दूसरा साल है, समर इट वॉज वेट यानी गॉट इनफ रेन, काफी बारिश मिले. Other people's corn was beaten down and the ears did not fill, but the person's crop on the hill was a fine corn, fine one. देखो
बाकी सारे किसानों ने क्या सोचा, अरे ये तो इससे सुखाया कर तो सब सूख जाएगा, इसलिए इस बार हम तराई में ही खेती करेंगे, निचले जल पर उस तरफ पर खेती करेंगे, स्लो लाइन लाइन में खेती करेंगे करके इस जगह पर नांदरिये में खेती किया है। पर उस साल क्या हुआ है, गोदी ना हुआ और रेन बारिश ज़्यादा हुआ है, इस वजह से इनका सारे फसल बीटन डाउन। आप कहते हैं दे सकते हैं जब बारिश का मौसम है हवा भी चलेगा तो सारे फसल गिर जाते हैं, जब उसका सब सारे किसानों का फसल गिर गया। बट द पुअर पर्सन, हमारे पुअर पर्सन का जो कहते हैं इस बार पहाड़ियों के ऊपर था इसलिए उनका कोई नुकसान हुआ नहीं है। दैट प्रोड्यूस मच द पेसेंट्स क्रॉप द अदर क्रॉप पीपल्स कॉर्न वॉज बीटन डाउन एंड यस डिड नॉट फील यर मीन्स आप जानते हैं जो गेहूँ है उसका जो कॉर्न आते हैं उसको ईयर कहते हैं, तो ईयर डिड नॉट फील बट द पेसेंट्स क्रॉप ऑन द हिल वॉज ए फाइन वन, ही हैड मोर ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा ग्रेन उसका बचाने के लिए था, सो दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट ऑल, इतना ज़्यादा उसके पास क्रॉप बच गया है वो जानता नहीं इससे क्या करें। देन द यम शोड द पर्सन हाउ टू ही कुड क्रश द ग्रेन एंड मेक वोडका फ्रॉम इट, तब ये यम ने उसको सिखाया है ये ग्रेन्स कैसे ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे उसमें से वोडका, एक तरह दारू है दैट यूज्ड इन सोवियत यूनियन यानी रूस में इस्तेमाल करते एक तरह एक दारू का नाम है वोडका, तो यानी राइस से बनता है, तब ऐसे जो कौन से जो ग्रेन से तोड़ उसमें से वोडका नाम का ये दारू बनाने का तरीका सिखाया। एंड द पर्सन मेड वोडका एंड बिगन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, वो पर्सन ने बचा हुआ जो अनाज से वोडका बनाकर वो खुद पिया और फ्रेंड्स को भी पीने दिया। So the imp went to the devil. His master claimed proudly that he had now succeeded where he had failed before. ये 3 साल के बाद imp वापस अपने master devil के पास जाकर कहते हैं and claimed दावा किया proudly गर्व से दावा किया that he had now succeeded where he had failed before, पहले जहाँ वो हारा था उसी जगह पर तो उसने जीत लिया है। Devil said then he would come and see for himself, devil ne kaha theek hai wo khud unke sath aakar ye nazara dekhne ke liye chaha, he came to the person's house and saw that the person's had invited his wealthy friends and was giving them drinks, jab jo imp hai apna master devil ke sath person ka ghar aaya tab usne dekha hai jo person hai kya kar rahe hain invited his wealthy friends, अपने wealthy friends को धनवान लोगों को अपना जो मित्रगण में है गरीबों को नहीं धनवान लोगों को बुलाया है and was giving them drinks, उसको ये वोडका पिला रहे हैं। His wife was offering the drink to the guest, उसका wife है जो guest को ये वो drinks है पीने के लिए वोडका दे रहे थे and she took it round, she fell against table, वो लेके आने पर वो टेबल के ऊपर वैसे वो गिर गए एंड ए ग्लास फुल स्प्लैश्ड ऑन द फ्लोर, जो ग्लास के द वॉट का था पूरा स्प्लैश्ड ऑन द फ्लोर ये जमीन पर गिर गया। द पर्सन स्पॉट एंग्री टू हिज वाइफ, पर्सन बहुत गुस्सा हो गया अपना बीवी से, व्हाट आर यू डूइंग यू फूलिश वुमन, अरे मूर्ख औरत तुम क्या कर रही है, Do you think that this good thing is dirty water? क्या ये अच्छा ये पेय को तुम क्या गंदा पानी समझते हैं? That you can pour all over the floor? क्या तुम ये अच्छा ये वोडका को ये पेय है पीने की चीज़ें इसको तुम गंदा पानी समझते हैं बाकी पूरा जमीन पर डालने के लिए? You careless creature, तुम careless creature जानवर तुम careless हैं।